और अब बात 45 मिनट के प्लान की जो हाथी बलवान करेगा, क्योंकि 2022 में सरकार बनाने के लिए मायावती ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए जहां ब्राह्मणों को साधा, वहीं अब 9 अक्टूबर से मायावती सूबे में अपने मिशन यूपी का शंखनाद करने जा रही है। 9 अक्टूबर का दिन बसपा के लिए खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। मायावती का ऐलान 9 अक्टूबर से होगा घमासान। मायावती ने दिया 45 मिनट का ज्ञान, हाथी में आएगी जान। चार बार मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने पांचवी बार सरकार बनाने के लिए यूपी में पूरी ताकत लगा दी है, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साध कर वो अपने दलित मुस्लिम वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत कर रही है। वही बुधवार को सभी मंडलों के कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर माया ने यूपी चुनाव की पूरी पटकथा लिख दी। मायावती ने यूपी में अपने चुनावी शंखनाद के लिए 9 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया है। ये दिन बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि का दिन है। इस मौके पर लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा और यहीं से मायावती चुनावी शंखनाद करेंगी। वैसे तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि पार्टी के मिशन 2022 का असल आगाज 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि से होगा। इस दिन लखनऊ में एक भव्य आयोजन की तैयारी है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश भर से लोगों से आने की अपील की है। मायावती ने 45 मिनट तक बैठक की। आमतौर पर मायावती इतनी लंबी बैठक नहीं करती हैं, लेकिन इस बार यूपी में मायावती की रणनीति एकदम बदली हुई नजर आ रही। उनकी मूर्ति वाली पॉलिटिक्स से तौबा करना बता रहा है कि वो वक्त के साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती लोगों का मन बदल पाएंगी, क्योंकि आखिरी बार मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी, तब से यूपी में बहुत पानी बह चुका है, मायावती के नारे भी बदल चुके हैं। ये ब्राह्मण नहीं मान रहा, क्योंकि मायावती जी की सरकार भी हमने देखा है किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार ये केवल मूर्तियां लगवाई जाती थीं, केवल पार्क बनवाए जाते थे, आम आदमी से कोई लेना देना उस सरकार का नहीं था। अगर किसी का विकास उन्होंने किया तो अपने परिवार का विकास किया है। इस नाते अब चुनाव आ गया, चुनाव में ब्राह्मण समाज को भी समझ में आ रहा है कि चुनावी एजेंडे के तहत ये हमारे पास आ रहे हैं हमारा वोट लेने के लिए। इस नाते ब्राह्मण समाज प्रारंभ से ही बहुत समझदार है देश के लिए। अब मायावती को अपने विरोधियों को न सिर्फ जवाब देना होगा, बल्कि उनका ब्राह्मण प्रेम सिर्फ चुनावी नहीं है ये भी साबित करना होगा। शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।